सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्मोबी। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप माइनक्राफ्ट का जावा वाला जो वर्जन है वो अपने स्मार्टफोन मतलब एंड्रॉयड के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल 100% ओरिजिनल वाला मैं आपको बताने वाला हूँ और बिल्कुल आपका अच्छे से वर्क करेगा। बस आपको करना क्या, आपको पूरी वीडियो देखनी है और स्टेप बाय स्टेप मेरे को फॉलो करते चलना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये वर्ज़न कोई माइनक्राफ्ट वाला एंड्रॉयड वाला वर्ज़न नहीं है, ये जावा बेस्ड वर्ज़न है, मतलब जावा पे जो काम करता है वो वाला वर्ज़न ये होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना, जब भी आप समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्टेप है जिसके लिए आपको कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि है इसका एक जो एमुलेटर कह सकते हैं आप, जो भी मर्जी कह सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो जो है वो प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल है, जिसका नाम है पोजावा लॉन्चर। जैसे कि मैं यहाँ पर पोजावा सर्च मारूँगा, पोजावा, तो आपको देखिए पोजावा लॉन्चर करके एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आपको जैसे इसको इंस्टॉल करना है, मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मेरे लिए इसी ओपन आ रहा है, तो इसको जस्ट ओपन कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो ये हो गया है। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है इसके अंदर, आप मैंने एक पहले से ही अकाउंट बना रखा है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक आईडी और पासवर्ड अपना नॉर्मल बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना हो उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले अकाउंट बनाया, तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे 1.0 आ रहा है यहाँ पे आपको अपना वर्ज़न सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो मिनिमम वर्ज़न है वही हो सेलेक्ट करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपर वर्ज़न पर जाएंगे तो आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसका हार्डवेयर इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो गेम को चला सके। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मिनिमम 1.11, 1.12 या फिर 1.10 का ही देखिए, वरना आप उससे नीचे का भी देख सकते हैं अगर आपके फ़ोन में वर्क नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरे केस में मैं करने क्या वाला हूँ, 1.10 वाला करने वाला हूँ, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है प्ले। उसके बाद ये कुछ सेकंड के लिए डाउनलोड होगी कुछ फाइल्स, अगर आपका इंटरनेशनल कनेक्शन जो है वो अच्छा होगा तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, अगर थोड़ा आपका कनेक्शन थोड़ा वैसा होगा तो उसके अंदर आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं गेम डाउनलोड हो गई है, थोड़ी उसकी लैंग्वेज वगैरह माइनक्राफ्ट की जो है वो डाउनलोड हो रही है, तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आपको स्किप कर लेना है, तो हम इसको फ्रेंड्स स्किप कर लेना है। आपको यहाँ पर परेशान होने देख सकते हैं, इसके अंदर माइनक्राफ्ट लिखा आ गया और ये जावा वर्जन खुल चुका है। तो आपको जस्ट करना है कि आप सिंगल प्लेयर पर जाएंगे, ये मैंने पहले गेम खेला था तो इसलिए वर्ल्ड बने हुए आ रहे हैं, तो मैं न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर ले रहा हूँ और इसको मैं क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अब लोडिंग होना शुरू हो गई है। अब लोडिंग होने के बाद अब हमारा गेम सामने आ जाएगा, तो फ्रेंड्स थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे गेम ऑन हो गया है और यहाँ पे बिल्कुल ओपन वर्ल्ड गेम हो गया है ऑन। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल के ग्राफिक्स होने वाले हैं, मतलब ज़्यादा पुराना वर्ज़न नहीं है, तो आप ग्राफिक्स भी देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से प्ले है और गेम प्ले भी काफ़ी स्मूथ हो रहा है। मतलब मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका कम हार्डवेयर का कोई मोबाइल है, मतलब जो लोअर एंट्री लेवल फ़ोन्स होते हैं, तो आप मिनिमम से मिनिमम वर्जन डाउनलोड करेंगे तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो इसलिए मैं आपको कि अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए इस गेम से रिलेटेड, कि आपको इसका जो एंड्रॉयड वाला वर्जन है वो कैसे डाउनलोड करना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।